वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं MHRD ने जो एक हैकाथॉन लॉन्च की है उसके बारे में। MHRD ने COVID-19 की दवा बनाने के लिए हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। 2 जुलाई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन हैकाथॉन है जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस हैकाथॉन में जनरेट डेटा सभी के लिए अवेलेबल होगा। इसमें जो आइडिया बेस्ट होंगे उन्हें CSIR लैब, स्टार्टअप और अन्य किसी इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। इस हैकाथॉन की दो थीम है। फर्स्ट है ड्रग डिजाइन फॉर एंटी कोविड हिट और लीड मॉलिक्यूलर जनरेशन और रीपर्पसिंग, एंड सेकेंड है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ न्यू टूल एंड एल्गोरिथम्स। इस ड्रग हैकाथॉन में एकेडमिक और इंडस्ट्री समेत पूरी दुनिया के रिसर्चर भाग ले सकते हैं। भारत में या विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट और इंडियन पासपोर्ट धारक भी इसमें भाग ले सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जिसमें वेरियस सेक्टर और फील्ड जैसे कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, बायोटेक, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस एंड बेसिक साइंस के स्टूडेंट टीम में भाग ले सकते हैं। 2 मंथ में 3 फेज होंगे। फेज 1 जो होगा उसमें रिलीज ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो 2 जुलाई 2020 को हुआ है, इसका सबमिशन 30 सितंबर 2020 को होगा एंड इवोल्यूशन होगा 31 अक्टूबर 2020 को। फेज 2 ऑनलाइन मॉनिटरिंग और हैंड स्प्लेडिंग टू सिलेक्टेड टीम जो 15 नवंबर 2020 को होगा। इम्प्रोवाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट और टूल 15 फेब 2021 को एंड इसका इवोल्यूशन होगा 15 मार्च 2021 को। फेज 3 नेक्स्ट राउंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन बाय रीग्रुपिंग और कोलैबोरेशन 15 जून 2021 को। फेज 3 का इवोल्यूशन 30 जून 2021 को एंड रिलीजिंग ऑफ नॉलेज इन ओपन सोर्स डोमेन 15 जुलाई 2021 को। इस हैकाथॉन में विनिंग टीम को प्राइज भी दिया जाएगा। सभी फेजेस में अलग अलग प्राइज दिए जाएंगे। विनिंग प्रोडक्ट, हिट्स और टूल CSIR में सबमिट होंगे जहां उनकी टेस्टिंग की जाएगी। सो यहाँ पर हमने देखा MHRD का जो हैकाथॉन था COVID-19 की दवा बनाने के लिए, इसकी डिटेल लिंक mygovernment.in पर आप जाकर देख सकते हैं।